वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, आज मैं आपको भारत की महान सेना के द्वारा किया गया एक सीक्रेट ऑपरेशन बताने वाला हूँ। और इस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जब अखंड था तो इसके अंदर उन्मादियों ने, उपद्रवियों ने एक आवाज़ उठाई और कहा कि हमें सेपरेट इस्लामिक मुल्क चाहिए, देश चाहिए। और उन मजहबी उन्मादी उपद्रवियों ने, विध्वंसकारियों ने, बलात्कारियों ने, दरिंदों ने मजहब के नाम पर एक टुकड़ा लिया देश का और उस टुकड़े को नापाक कर दिया। एक पूरे पूरे टुकड़े को इतना गंदा कर दिया, आज हम पूरी दुनिया के अंदर देख सकते हैं वो कितना घिनौना देश, कितने कुकर्म वहाँ होते हैं। तो मजहबी उन्मादियों ने क्या नारा लगाया था कि हम हिंदुओं के साथ असहज महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू गाय को माँ मानता है, वो उसको, क्योंकि हिंदू हर काम सीधा करता है और वो उल्टा करते हैं, सिवाय मुँह के खाने के। इसके अलावा उनके पास चारा नहीं था कि वो हिंदू मुँह से खाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी मुँह से खाते, वरना वो भी उल्टा करते। आइए अब मैं ऑपरेशन पोलो के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश की आज़ादी के साथ इस देश के अंदर बहुत कुछ ऐसा घटित हो गया जो नहीं होना था उस समय पर। वो क्या? हमारा देश जब मजहब के नाम पर टूट चुका था, तब भी उस समय के राजनेताओं ने इस देश को उन मजहबी उन्मादियों, उपद्रवियों, विध्वंसकारियों, बलात्कारियों से पूरा मुक्त नहीं किया, उनके सिपह सालारों को यहाँ रोक लिया। और यही भारत के लिए आज नासूर बन के बैठा है, एक ऐसा जख्म जो हमें प्रतिदिन प्रतिपल रुलाता है, हमें सताता है, हमारे उत्सवों में वो खलल डालता है, हमारे हर प्रकार के मनोरंजन, हमारे हर प्रकार के आनंद और हमारे हर प्रकार की स्वतंत्रता का आज भी वे मजहबी उन्मादी हनन करते हैं, हमारी स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं हमारे ही देश में। जबकि मजहब के नाम पर एक देश ले गए, हालत देख लो बगल के जो बनाया उन्होंने मजहब के नाम पर, इस्लामिक कंट्री सो कॉल्ड भीख मांग रहा है, भीख मंगा कटोरा लेकर के घूमने वाला वो देश देख लो। आइए आपको अब ऑपरेशन पोलो के बारे में बताता हूँ। एक स्थान है हमारे देश का, एक क्षेत्र हमारे देश का, जिसका नाम है हैदराबाद। इस हैदराबाद में एक ऐसा दुष्ट आक्रांता था जिसका नाम था निज़ाम उस्मान। और इस निज़ाम उस्मान ने क्या किया, इसने कहा कि हम रहेंगे तो यहीं, लेकिन हम अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे। इसके साथ MIM भी थी, MIM का जो वहाँ का चीफ था उसका नाम था कासिम रिजवी। कासिम रिजवी हिंदुओं से इतनी घृणा करता था, सभी लोग करते हैं ये घृणा, आज भी बराबर वो कासिम रिजवी की जो और गुलामों की औलादें हैं वो भी आज हिंदुओं के प्रति भरपूर घृणा से भरी हुई हैं। तो कासिम रिजवी उस्मान नाम के आदमी का गुलाम था और कासिम रिजवी के भी नीचे कई सारे गुलाम थे, इनके यहाँ गुलाम परंपरा चलती। इस कासिम रिजवी और उस्मान नामक इस भेड़िए ने हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में हिंदुओं की हत्या की योजना बनाई, हजारों हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। एक बहन की तो कहानी है, मैं नाम बताता हूँ, वाणीश्री करके एक बहन थी, उसको घर से ले जाया गया जबकि उसके पिता बहुत बड़े नवाब पेट नाम की एक जगह थी, वहाँ के एक बहुत बड़े हिंदू नेता थे और जमींदार भी थे वो, उनकी 16 साल की बेटी थी वाणीश्री। इसको उठा करके ले गए और जिस गांव में उठा कर ले गए उसका मुस्लिम लीडर था, वो उठा करके ले गए और उसका नाम था मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान घर पर लेकर के गया, उसके साथ सैकड़ों लोगों ने रेप किया, 16 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। और उसके बाद काजी, मौलाना और मौलवियों की उपस्थिति में उसके मुंह में गाय का कलेजा ठूसा गया। सेम वही पैटर्न है जो बंदा सिंह बैरागी जी के साथ हुआ था, सेम टू सेम उस बच्ची के मुंह में गाय का कलेजा ठूसा गया।
उसे उसे अंदर उतारा गया, उसे अंदर धकेला गया, गाय के कलेजे को उसके पेट में डाला गया। और इतना ही नहीं, उसको नग्न अवस्था में कई दिनों तक ऐसे ही कमरे के अंदर पटक दिया गया, और उसके साथ जिसकी मुझे आज बोलते हुए भी दर्द होता है, वाणी वाली घटना पढ़कर तो मैं रो देता हूं कई बार, के ऐसा आजाद भारत में, ये आजाद भारत की घटनाएं बता रहा हूं मैं आपको, ये तब की घटना है जब MIM जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, उसके जो लोग थे वो जो वहां पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उस्मान अली के लोग जिस प्रकार से वहां पर घटनाएं अंजाम दे रहे थे, जिस प्रकार से मजहबी उन्मादी उस समय पर, ऐसी कई घटनाएं हैं, ये तो वाणीचिर की एक घटना मैं आपको सच्ची बता रहा हूं यहां पर। आप नवाब पेट की इस घटना को सुनकर के रो देंगे। उस बच्ची को बाद में कई दिनों तक ऐसे ही नग्न अवस्था में पड़ा रहने दिया, और एक दिन उसको फिर मौलवियों की उपस्थिति में उसको कुरान की कुछ आयतें पढ़वाई गई, और उसके बाद इस वाणी श्री का नाम रखा गया जरीना बानो, और जरीना बानो नाम से उस बच्ची को आजाद भारत में बेचा गया, उसकी नीलामी की गई, और नीलामी के बाद आप जानते उसके साथ कितना बर्बर क्रूर व्यवहार हुआ होगा। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बहनों के साथ हुआ वहां पर। ये स्थिति हो गई थी कि एक एक उस क्षेत्र के मजहबी उन्मादी के पास चार चार बीवियां हो गई थी, गुलाम। ये सच्ची घटना है, आपको बता रहा हूं। ऐसी जब हजारों संख्या में घटनाएं होने लगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मानो तो काटो तो खून नहीं निकले वाली स्थिति हो गई थी। लेकिन उनके छाती पर जो थोपा गया था, आप सभी को बड़ी जानकारी देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस की वो कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना था, तय करना था, चुनना था, उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, चयनित किया था, चिन्हित किया था। लेकिन हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम आप सभी को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने बीच में आकर के और नेहरू के पक्ष में फैसला करवा करके और नेहरू को उन्होंने प्रधानमंत्री बनवा दिया। हर बार यही हुआ। और हमने अभी एक लेटेस्ट जो मूवी आया था उसमें भी देखा कैसे अमरेंद्र बाहुबली की जगह भल्लाल देव आ जाता है। बात आती है वापस ऑपरेशन पोलो की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के कुछ ऑफिसरों के साथ मिल करके बातचीत किया और योजना बनाई, और एक दिन ऐसा आ गया जब हिंदुओं की करुण पुकार सुन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी व्यथित हो उठे, और उन्होंने फिर वहाँ पर सेना भेज दी, और सेना ने चुन चुन करके उन रजाकारी गुंडों को, सेना ने चुन चुन करके कासिम रिजवी के दहशतगर्दों को, सेना ने चुन चुन करके MIM के उन दहशतगर्दों को, बलात्कारियों को, व्यभिचारियों को, जैसे वो कॉकरोच को हिट चलाते ना, ऐसे किया। और इसके बारे में भी एक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि उसे ओपन नहीं किया गया था, और मैं भी नहीं चाहता कि वो रिपोर्ट कभी भी ओपन हो। बहुत जो भी हुआ था अच्छा हुआ, क्योंकि इस प्रकार के इस्लामिक टॉर्चर से जो हिंदुओं के ऊपर हुए उसका वहाँ पर अंत हो गया। लेकिन साथियों, ऑपरेशन पोलो जैसे कितने ही ऑपरेशनों की आज 2022 में आवश्यकता है, और सरकार ने चलाया भी ऑपरेशन ऑक्टोपस। ये भी उसी प्रकार की, उसी मानसिकता के लोग थे जो ऑपरेशन ऑक्टोपस में पकड़ाए गए हैं। या भारत को फिर से, मैं हिंदू भाई और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन ऑक्टोपस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत में ऐसे कई ऑपरेशनों की आवश्यकता है, लेकिन ये ऑपरेशनों की कब तक जरूरत पड़ेगी आप कहेंगे कि स्वामी जी कब तक, हमेशा होगा क्या? नहीं। हिंदू अगर अक्षम हिंदू का साथ दे, सक्षम हिंदू अगर अक्षम हिंदू का साथ दे, इसकी कभी आवश्यकता ना पड़ेगी। हिंदू अगर अपने मन के अंदर पनप रहे, किसी भी कोने में छोटे से छोटे डिस्क्रिमिनेशन के भाव को अगर हटा देता है, मिटा देता है, और कह देता है हाँ भाई, तुम हिंदू हो, तुम मेरे अपने हो, मेरे हृदय के प्रिय हो,
बस इतना भर है कि हिंदुओं का ये उंगलियां मुस्टिका में बदल जाएगा और जो प्रहार होगा इन पापी अत्याचारियों पे, उसको फिर इस दुनिया के अंदर इन इस विचारधारा के नाश को, सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि बहुत ही शीघ्र इस राष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा समर होगा, एक क्रांति होगी। तो हिंदुओं, आप अपने मन के अंदर उठ रहे इन ज्वारों को उस क्रांति ज्वाला में परिवर्तित कीजिए और भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए लग जाइए। हम सभी को मिलकर के भारत माँ को विश्व गुरु बनाना है। और मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आप सभी को कहता हूँ कि मैं एक अभियान चला रहा हूँ, और एक अभियान चला रहा हूँ जिसका नाम है घर वापसी अभियान। कि जो मुस्लिम बहनें तड़प रही हैं, कराह रही हैं, वहाँ पर बहुत परेशान हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उन्हें हम घर में लेकर के आएँ, उनका घर वापसी कराएं और उन्हें उस दुर्दांत व्यभिचारियों के गुट से निकाल करके स्वतंत्र भारत के संवैधानिक अधिकारों वाला जीवन उन्हें प्रदान करें। वह रहती तो भारत में है, सांस तो भारत में लेती हैं, लेकिन उस सांस के साथ वो जिस वातावरण में जीती हैं, साथी भाइयों और बहनों, हम कल्पना नहीं कर सकते। वो आज भी 14वीं शताब्दी पहले का जीवन जी रही हैं, वो आज भी 1400 साल पहले वाला गुलामी भरा जीवन जी रही है। अगर उन्हें मैं सेक्स स्लेव कहूँ तो साथियों कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ऐसी बहनों के उत्थान के लिए मैं कार्यक्रम चला रहा हूँ, अभियान चला रहा हूँ, मुहिम चला रहा हूँ, एक मिशन चला रहा हूँ। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, तो आप सभी सहयोग करें उस अभियान में। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन का बटन दबा करके आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।